तो हाय, गुड मॉर्निंग। नए दिन, नए ब्लॉग और नई भाषा के साथ। एक्चुअली मैं ना बंगला में बोलती हूँ, तो ठीक है, बंगालीज मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, सब समझते हैं, पर कभी कभी मेरे सेकेंड लैंग्वेज है हिंदी, क्योंकि मैं रहती हूँ दिल्ली। 30 साल हो गए मैं बंगाल से बाहर हूँ, तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल है हिंदी में बहुत ज़्यादा है, तो उन्हें एक्चुअल बंगालीज जो यहाँ रहते हैं, जो हमारे बंगालीज फ्रेंड्स हैं, सबको बहुत अच्छे से हिंदी समझ में आता है, लेकिन जो नॉन बंगालीज फ्रेंड्स है मेरा, उनके लिए किया किया प्लीज़, उनके लिए ना हर वक्त बंगला समझ पाना बहुत मुश्किल की बात है। तो मुझे हर कोई बोलते हैं कि कभी हिंदी में भी ब्लॉग बनाया करिए, किया के साथ हमें देखना है हिंदी में। हम समझ तो नहीं पाते, लेकिन देखते हैं, तो थोड़ा हिंदी भी होना चाहिए। तो आज हम नए भाषा और नए दिन और नए ब्लॉग और के साथ आप सबके साथ सबके पास आ गए, और साथ में मेरे सबसे प्याली प्याली सोना गुलिया बेटी मेरी। किया क्या हाथ, क्या हाथ, हैंड दे दो। एक मिनट, मैं दिखाऊँ। एक यह बहुत प्यारी है। क्या हैंड, क्या हैंड, हैंड, हाथ, हाथ, गुड। क्या वही हाथ, वही हाथ। क्या बजाओ, बजाओ, क्या बजाओ। ओ ले बाबा ले, ये मेरी किया है। किया से सब मिल लो, पहले क्या हाय बोलो, क्या हाय, इजी हाय। अरे मुझे नहीं। ओके ओके ओके, सेट सेट सेट। अच्छा, तो अब हम आज के दिन शुरू कर रही हूँ, और नए ब्लॉग के साथ, नए भाषा के साथ। नई तो नहीं है, हर किसी को मालूम है, पर आज से थोड़ा चेंज होगा। बांग्लाओ थाकबे, बट हिंदी भी रहेंगे, क्योंकि बांग्ला भी समझना और बोलना अच्छा लगता है। वो मेरी मदर लैंग्वेज है, मदर टंग है। तो आई लव बेंगोलीज, आई लव बांग्ला भाषा, और बांग्ला की जो रेसिपी है, खाना है, उसकी तो बात अलग ही है, लाजवाब है। तो रेसिपी हमारी हर हर टाइप की होंगे, पर किया मेरे साथ होंगे हर दम, और मैं होंगी, और होगा दोनों लैंग्वेज, बट हिंदी एंड बंगाली बोथ। ओके, आज की दिन सबके लिए शुभमय हो, और मैं शुरू कर रही हूँ मेरी आज की रोज की तरह नए दिन नए भाषा के साथ। रोटी चलेगा आज बाबू? क्यों, दूध रोटी? ओके ओके, दूध रोटी। कहाँ हो तुम? किया को था? किया, किया कहाँ है? किया, ओ देखो की करछो, क्या कर रही हो बाबू? आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, किया आ जाओ। ये देखो मेरी जो ये गुलाब की पेड़ है, ये कितनी खूबसूरत, एक साथ इतने सारे फूल खिलने वाले हैं। अभी ठंडी खत्म होने लगा ना, तो ठंडी खत्म हो जाए तो मैं फिर इन सबको थोड़ा सा, ठंडी खत्म होते ही ये सारे पेड़ पौधे को थोड़ा सा मैं आराम दूँ। अब ठंडी में इतने काम करना भी मन नहीं लग रहा था, इतना ठंड में ये गुलाब सब एक साथ खिलेंगे बहुत सारा। किया, किया देख लो, किया देखो, किया, अरे भाई बहुत एटीट्यूड। क्या एक बार मुंह तो दिखा, इधर एनाओ एनाओ। ओए ओए ओए, हिंदी बंगला, हिंदी बंगला, कोई टेंशन नहीं है, सबको समझ में आ रहा है, तो हिंदी तो होना चाहिए। बहुतों की डिमांड भी है कि हिंदी ब्लॉग बनाओ, हम समझ नहीं पा रहे, बंगालीज तो समझ ही जाएंगे। तो दिन भर काम चल रहा, ठंडी वाले कपड़े की सारे पैकिंग हो रहा, अभी से शुरू हो गया। तो इतने सारे कपड़े धोना है, पैक करना है, सेट करना है, फिर ठंड खत्म होते होते मुझे लग रहा मार्च की फर्स्ट वीक तो हो ही जाएंगे। होली तक तो हल्का ठंडी रहता ही है, दिल्ली में तो अभी अच्छी पैसा नहीं है, अच्छी ठंडी है। खैर, आज काम थोड़ा ज़्यादा नहीं है, तो कम कम है, तो थोड़ा बैठ के बात ही कर रहे थे, किताबें पढ़ रही थी। सब जा रही हूँ दही भल्ला बनाने, दही भल्ला बनाऊँगी, उसके बाद बताती हूँ कैसे बना रही हूँ, ठीक है। किया को समझ में आ गया कि मैं कुछ करने जा रही हूँ। किया मिल, किया किया तो किया ही है ना। किया को पता लग गया कि मम्मा को कुछ करना है अभी, है ना? क्या किया, किया?
তুমি কি ভাবছো? তুমি কে সমঝ মে আরা কি মুঝে কে কানা জর্জ? আরে না 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 না, আরে না না না, আরে না 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 না, তুজে ক্যামেরা চালানি হ্যায়, তুজে লেনা হ্যায় মো করনে করনা হ্যায়, ইয়ে লো ইয়ে লো ইয়ে লো ইয়ে 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 ইয়া প্লিজ, ক্যা প্লিজ, বাপ তো করনে দে, ক্যা প্লিজ। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ম্যাক তো আচ্ছা, ওকে 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 ওকে, আচ্ছা অফ অফ অফ, কোথায় আছো? আজা আজা, দিদি ডাকছে, মাম্মা একবার আওয়াজ দে, চলো চলো দিদি ডাকছে, আয় এই আয় দিদি ডাকছে, তুই অনেকবার ডাক ওকে, চলো চলো আমি যাচ্ছি। কিছুই বলো নড়ছে না, ওকে চলো মে ভি যারিও। আরে স্টিল এক জায়গায় চুপ করে বসে থাকি, কি করছো? বসবে কি? মুঝে লাগতা পুরে দুনিয়া মে কিসি কে ঘর মে কি মে ভি ব্যালকনি মে তো এসে পর্দা নেই লাগা জাতা হ্যায়, পর মে মজবুর হুঁ, বিকজ ইয়ে জো হ্যায় না ইনকে লিয়ে, মানে নিচে সে কোই ভি যায় কভি ভি যায়, বাস ইয়া কো লাগতা ইয়ে পুরা রোড, রোড নেই ইয়ে পুরে সোসাইটি, সোসাইটি ভি ক্যা ইয়ে পুরা দিল্লি উসি কি হ্যায়, কোই ভি উপর সে আগে কোই পাঞ্ছি ভি যায় তো ভি, আর নিচে সে কোই কোই এক ভি বন্দা যায় তো ভি, ইয়া কব বাস, ইসলিয়ে মুঝে পর্দা লাগানা পড়া ব্যালকনি মে ভি, বতাও লোক ক্যা সোচতে হোঙ্গে, সবকো ডাঁটনা পিটনা মারনা বকনা জো কুছ করনা সব কর লো, ঠিক আছে? উসকে বাদ আগর নিন্দ আয়ে তো অন্দর আকে সো যাইয়েগা আপ, কেন কি আমি তোকে বলা ছেড়ে দিয়েছি একদম, তোর সাথে আমার আর কই রিস্তা নেই, তোকে ছেড়ে ছোড় দিয়া মানে তুই তুই জো মার্জি করলে, ঠিক আছে? বস পুরো মহল্লে কি চৌধারানি বানিয়ে সবকো ডাঁটনা হ্যায় নিচে সে কোন যারা বেঠে রা তুই এই পে, সোনা হ্যায় কি নেই কিয়া কিয়া বতাও, এক ঘন্টে সে পুরা এসেই বেঠে হ্যায়, কর লে তুই আপনি মনমানি কর লে, ফির মে দরওয়াজাই বন্ধ কর দু, কর লে বাই বাই, ওকে বাই ওকে বাই বাই, রে রাও চো মে যা রি বাই, বকা বকা খেয়েছে আমার থেকে, কিয়া সরি কিয়া কিয়া বাবা কিয়া উঠো, উঠনা নেই বেটা, উঠনা নেই ওঠো, কি কি করছো কি করছো? হুম এই তো তয় তোমার এইখানে রাখা ছিল, ওঠো ফের আর শোনায়, হুম কিয়া ওলি বাবালে ওলি বাবালে, উঠতে হবে না বেটা, উঠতে হবে না, হুম কিউ উঠ যা বেটা, সাড়ে পাঁচ ছ বাজ গে শাম কি, উঠ যাও উঠো বাবালি, জিত হ্যায় জিত সোনা হ্যায় ওর, ঠিক হ্যায় ফির সো যাও তুম, ফির সে থোড়া সো যাও, মে লাইট অফ কর দু, আচ্ছা সো যাও সো যাও, মুহ চেহারা তো দিখা দেখবে, আচ্ছা জাগ রই হ্যায় ঠিক হ্যায় পর রেস্ট করনা হ্যায় ওর থোড়া সা, দিন ভর ইতনে কাম, খানা বানানা কপড়া ধোনা বহুত সারা কাম করনা পড়তা মম্মি কে সাথ, ফির মহল্লে মে সবকো ভাগানা, কিসকে ঘর কোন আয়ে কিসে কিসকে ঘর সে কোন যা রা রাস্তে সে কোন গয়ে কুছ বলো তো মুহ ফের লো, হুম আচ্ছা 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 লে যাও ওলে বাবালে, এলো এলো আপনা বুগুলু কো লেগে ছো যাও, এলো বুগুলু কো হাত কি নিচে লে লো আপনা দল কো লে লো দলু কো, হ্যাঁ দলু কো ঠিক হ্যায় সো যাও, মানে লাইট অফ কর দু, আচ্ছা বাপরে কিয়া কি বিউটি স্লিপ অভি ভি চল রা,
15 मिनट बाद भी एक्चुअल किया आजकल ब्लॉग बनाती है ना, किया ब्लॉगर हो गई है तो एक ब्यूटी स्लीप तो चाहिए ही दिन में, फिर शाम को उठकर तैयार होना है। देखो मैं 15 मिनट पहले भी बुला के गई हूँ लेकिन किया जो है रोस्टर पर क्यों अच्छे आज के दिख इधर से घूम के उधर, उधर से घूम के इस साइड, ओए क्यों अच्छे क्यों अच्छे है शुक्र लगते हैं की क्यों अच्छे देखी उठ भी ना उठ भी नहीं ये छोन तो कौन तो उठो उठो उठ जाओ बाबा क्या क्यों उठना वो तो वही की खाए की जो ना मम्मा क्या नाम उसका बताओ। अच्छा आराम से अली अली बाबा अली अली बाबा अली जाना था मार्केट तितली और मुझे, पर किया की तबीयत सही नहीं लगता है और किया सो रही थी तो किया को छोड़ के ऐसे अचानक से जाना ठीक नहीं होता है ना, उसे अकेले छोड़ के जाना, तो मैंने सोचा मैं अकेले हो आऊँ, कुछ सामान भी लेना था लेके आते बस, और फिर आकर आज की बाकी का जो काम है वो कर लूँगी, ब्लॉग की एंड भी करनी है, बस हो आते पहले देखी की पावा जाए क्या क्या लाना है। ठीक आज मैंने वो सब्जी शॉप में फिर से आई हूँ, यहाँ की इनके यहाँ की सब्जी बहुत अच्छा है, मतलब मुझे बहुत पसंद है, मैं जब से दिल्ली में हूँ तब से इनके यहाँ से बोलो तो घर भी पहुँचा देते हैं ना, और रात में कभी तो ऐसे भी हुआ रात की 10 बजे चाहिए उन्होंने पहुँचवा दिया, बहुत अच्छे इंसान है बहुत अच्छे लोग हैं और मेरे साथ तो बहुत ही अच्छे व्यवहार है, पैसा भी इतना नहीं मांगते उनका रेट बहुत नॉमिनल है, तो भैया से हम हरदम सब्जी लेते हैं। तो ये मेरा सेकंड ब्लॉग है उनके शॉप का, एक बंगला में था ये हिंदी में भी हो गया। मुन्नु मुन्नु की हो आज के अति गंभीर गंभीर, माँ तो बोके नहीं दीदी हो बोके नहीं हैं, सब दलू बलू निये क्या हो गया बेटा, देखी तू मुख दे देखी तू मुख दे देखी तू मुख दे देखी की सुंदर चोक दू तो की सुंदर घूम पाचे की एक तू पर खबर खे ने ठीक है ओके बेटे एक तू थोड़ी सी देर में ठीक है डिनर ठीक है ओके एक बार ताकाओ तो सही ताकाओ तो ओके ये देख काफी देर हो गए होने के रात हो गया बट दही बल्ला बनाना था, ये हो गए ब्यूली दाल उड़द दूली दाल पेस्ट, इसमें मैंने थोड़े से इनो डाले हैं, इसमें पहले तो मैं इसे फेट कर हल्की सी नमक दे के फेट कर पकौड़ा बनाऊंगी, फिर वो मैं पानी वाले दही वाला नहीं चाट टाइप का बनाना है, फिर उसमें मैंने इसके अंदर मैं थोड़ा सा धनिया थोड़ी सी हरी मिर्च ये डाले इनो नमक ठीक है, इसको बहुत फेटना है, फेटने के बाद मैं इसकी थोड़े छोटे छोटे पकौड़े बनाएंगे, पकौड़े बन जाए तो डिश में पहले ये दही है, दही को मैंने थोड़ा सा क्रीमी बनाने के लिए एक बार ग्राइंड कर लिया, दही के अंदर हल्की सी चीनी है मीठा, थोड़ा हल्का सा नमक, नमक आपकी ना भी दो चलेगा लेकिन हल्की मीठी होनी जरूरी है, डिश में पहले इतने बनाने के बाद जब मैं गार्निश करूँ तो उसके लिए फिर से गार्निश के लिए क्या है मेरा घर का बनाया हुआ इमली की चटनी है, अगर आपके पास ये ना हो तो आप ये दो इमली सॉस मिलता ही है, ये अनारदाना अनारदाना तो बहुत टेस्टी, ये होता है सेवई जो बोलते हैं, ये है भुना जीरा पाउडर, बाकी मिर्ची पाउडर जिसे चाहिए वो दे सकते हैं वो बात की बात है, वो मेरे पास भुना हुआ मिर्ची पाउडर भी है, मैं पहले फर्स्ट स्टेप हो जाए सेकंड स्टेप में मैं जब गार्निश करूंगी तो दिखाऊंगी, ये थोड़ी सी मैंने इसमें अदरक की भी ये डालना है, ये पकौड़े में थोड़ा टेस्ट ज्यादा होगा, बहुत कोई यहाँ हींग डालते हैं मुझे हींग नहीं पसंद है इसमें, ये प्योर दाल का स्मेल आना बहुत जरूरी है। ओके बनाऊं और किया खुश ना हो सकता है, हैं ये किया मेरे साथ भागते भागते आएंगे भागते भागते आएंगे, किया किया आजा आजा चल दीदी से मिल करते चल चल दीदी से मिल करते आजा हो गया हो चे
ওকে বাবারে কত 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 জল খাচ্ছে উফ ও बहुत अच्छी टिप्स है ये किसी भी पकोड़े बनाने के लिए कोई भी कैसे भी कोई पकोड़ा बने कोनो ही पकोड़ा बनाबार जोनो ये जो फेटने के लिए कभी भी ऐसे 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 नहीं होना चाहिए कोई भी एक ही साइड से होना चाहिए जैसे कि एक ही ऐसे तो ऐसे ही करना चाहिए ऐसे ही होनी चाहिए अगर मैं घुमा के फिर करूँ तो उस पर हवा भर जाता है तो जब भी कभी भी कोई पकौड़ा बनाओ बेसन का हो या ये उड़द दुली की हो या कोई भी चीज़ इस तरह की तो फेंटने के लिए वन साइड बस या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज दोनों साइड से नहीं होगा नहीं करना चाहिए उसमें पकौड़े में हवा भर जाता है और वो फिर शरीर के लिए भी थोड़ा गड़बड़ हो जाते हैं और मैंने इसमें इनो इसलिए मिलाती हूँ इनो से ये बहुत हल्के भी बनते हैं और थोड़ी सी ये जो ये इन सब चीज़ों खाने के बाद जो तबीयत थोड़ा बिगाड़ने लगता है कभी कभी वो चीज़ भी नहीं होता है ये बहुत हल्का हो जाता है इनो मिलाओ तो मैंने इतने में आधा पैकेट इनो मिला है इनो की बहुत ज़रूरी है इन चीज़ों में तो इनो मिल जाए तो हल्का भी बन जाएगा पकौड़े भी बन गया मेरा पकौड़ा और पकौड़ा ये है ब्यूली डाल मतलब उड़द दूली वाले तो गर्मी के टाइम आपको ये फ्रिज के पानी में डालना चाहिए ठंडी के टाइम तो हम ऐसे नॉर्मल पानी में भी डाल सकते हैं पानी यूँ ही ठंडे है तो अब इसे मैं हाथ से थोड़ा सा दाब के इसे मैं प्लेट में गार्निश करूँगी गार्निश करने के बाद दिखाऊंगी एक चीज़ और दिखाऊँ मैं इसमें ना कभी रेडीमेड जो मिर्ची पाउडर आता है वो नहीं देती हूँ रेड कलर की जो मिर्ची आती है लाल मिर्च उसे गैस में मैं थोड़ा सा जला कर उसे फिर पाउडर बना के वो देती हूँ अब मैं गार्निश करते टाइम फिर आपको बताती हूँ कैसे करके गार्निश किया जाए चाट की रेसिपी के साथ और चाट के ये गार्निश के साथ आज मैं अपना ब्लॉग खत्म कर रही हूँ सब खुश रहे सब सलामत रहे सब अच्छे से रहे प्यार से रहे और अच्छे अच्छे खाना बनाइए अच्छे अच्छे खाना खाइए मैं हूँ मेरे साथ मेरे किया है और है मेरा अपना खुद का रेसिपी जो बहुत ही टेस्टी बहुत अच्छा सबाई भालो थेको सबार जोन्नो आमार अनेक भालोबासा আর সবাই এনজয় করো ভালো ভালো খাবার বানাও ভালো করে খাও সবার সাথে এনজয় করো আমি আছি আমার কিয়া আছে আর আমার এই দারুণ দারুণ রান্নার রেসিপি আছে সবাই এনজয় করো কখনো সুযোগ হলে সবাইকে খাওয়াবো ওকে আজকে ব্লগ এই খতম বাই গুড নাইট কাল ফির মিলেঙ্গে